Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. New just for you, just born kids choice. ARK Giri, silk and sari. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. बसो कल्याण सीएमसी जीबी मीटिंग में सीएमसी मेंबर्स के बीच हंगामा. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार. बीके न्यूज में आपका स्वागत है. मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं बीके न्यूज. कल्याण सीएमसी में साल 2022-23 के एसएफसी और 15 फाइनेंस बजट को लेकर जीबी मीटिंग की गई. इस मीटिंग में कुछ इश्यूज को लेकर मेंबर्स आपस में छोटे बच्चों की तरह लड़ने लगे. लड़ने की वजह बजट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर रही. सीएमसी के कुछ मेंबर्स इस बजट को सिर्फ 18 वार्डों में रखने हैं, तो वहीं सीएमसी प्रेसिडेंट शाहजान तनवीर शेख ने सभी वार्डों में रखने की बात कर रही थी. इसको लेकर सीएमसी मेंबर्स में बहस शुरू हो गई और हालात ऐसे हो गए कि पीएसआई अमर कुलकर्णी को हालात को काबू करने आना पड़ा. पीएसआई अमर कुलकर्णी ने सभी मेंबर्स को समझाते हुए माहौल को ठंडा किया. SVS Tires, Total Tire Solution in One Unit. Eyelight Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality product. Dream Home Furnishing, Curtain and Sofa. इस मीटिंग में MLA शरणु सालगर भी मौजूद रहे. MLA शरणु सालगर के सामने सभी मेंबर जोर जोर से चिल्लाने पुकारने लगे और टेबल पर हाथ मारने लगे और सीएमसी कमिश्नर को प्रोसीडिंग में क्या लिखा है पढ़ने के लिए कहने लगे और जीबी मीटिंग में अप्रैल 2022 से लेकर आज तक का हिसाब पूछने लगे और सीएमसी मेंबर ने कहा कि इस बजट को बिना काम किए ही पास किया गया है. सीएमसी कमिश्नर को इसकी जांच करने की मांग करते रहे. फयमुद्दीन जेई पर भी नाराज होते हुए उनका ट्रांसफर करने की मांग की और कहा कि 24/7 पानी पूरी तरह से चालू करने की मांग की. कुछ घरों में पानी नहीं आ रहा है मगर बिल ज़रूर आ रहा है. इसके अलावा सीएमसी में बिना ब्रोकर के कोई काम नहीं हो रहा, आम जनता की बात नहीं सुन रहे और सीएमसी मेंबर का भी काम महीनों तक नहीं हो रहा है. बिना टेंडर के बिल पास करने वाले अधिकारियों पर जांच करनी. सोहम इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस फर्नीचर, प्रशांत मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, जयदीप स्वीट सेंटर स्पेशल कोलकाता मिठाई. जांच करनी चाहिए. ऐसे और भी कई मुद्दों को लेकर जीबी मीटिंग में मेंबर्स के बीच बहस हुई. इन झगड़ों को देखते हुए एमएलए शरणु सालगर ने कहा कि डीसी को बुलाकर फिर से जीबी मीटिंग रखी जाएगी और एसएफसी 15 फाइनेंस पर चर्चा कर बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. प्रत्येक ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಾವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋಣ. ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯ ನಾವು ತಗೋಣ. ಬರಿ 3 ಟು 4 ಡೇಸ್ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸರ್ ಸಾ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೈ 8 ಇನ್ ಟೈಮ್ ದೇ.